मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के मेरे वीडियो में हम मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर क्या होता है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है मिनिमल कवर निकालने का या फंक्शनल डिपेंडेंसीज को पे क्वेश्चन आपके गेट या यूजीसी नेट में जरूर आ जाता है, और इसके लिए मैं आपको ये सिंप्लीफाइड वे में मिनिमल कवर समझाने जा रही हूँ इन DBMS। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोज देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अब हम आते हैं मिनिमल कवर। मिनिमल कवर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है मिनिमल, ये इरिड्यूसिबल सेट ऑफ FDs होता है। कि आप FDs को सिंप्लीफाई करते हैं, आप इरिड्यूसिबल सेट होता है, उसके बाद आप इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को FD सेट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट इसमें जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन उस FD सेट की कंटेन करती है, और इसको इरिड्यूसिबल सेट या कैनोनिकल कवर बोलते हैं फॉर दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। इसको मिनिमम कवर बोलते हैं जो मिनिमम सेट ऑफ FDs होता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें तीन चीजें हैं और तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी सिंपल FD होनी चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप सिंप्लीफाई करते हैं और उसको लेफ्ट रिड्यूस करते हैं, और प्लस उसमें नॉन रिडेंडेंट FD, फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जो मतलब अदर डिपेंडेंसी से अगर आप किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को ड्राइव कर सकते हैं तो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोला जाता है रिडेंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। जो कहीं उसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में किसी और FD से अगर आपके पास में कोई FD ड्राइव हो जाती है तो उस तरीके की FD को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंट रिडंडेंट फंक्शन FD, और उसको हमें वहां से डिलीट करना है। तो बेसिकली जो मिनिमम कवर या कैनोनिकल कवर निकालने की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में है। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को आप स्प्लिट कर लो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे ये यहाँ पे है, ए इम्प्लाइज XY, तो क्योंकि राइट साइड में भी जितनी भी चीजें हैं वो लेफ्ट साइड पे डिपेंड करती है, और इसलिए आप सिंपली उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे भी राइट साइड में मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स है तो उनको सेपरेट कर लेना है। एक आपके पास में आ जाएगी ए इम्प्लाइज एक्स, एक आ जाएगी आपके पास में ए इम्प्लाइज वाई। तो ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई आपके पास में, ए इम्प्लाइज एक्स वाई से आपने 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव कर ली। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेप है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आपको कुछ नहीं, राइट साइड में आपको देखना है जिस FD में मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स है राइट हैंड साइड में, तो उसको आपको ब्रेक कर देना है। अब देखिए, दूसरा है रिमूव ऑल रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी भी तरीके से जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपके पास रिडंडेंट है आपको उन्हें रिमूव करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये FD सेट है, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी एंड ए इम्प्लाइज सी। तो इसमें ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए इम्प्लाई बी एंड बी इम्प्लाई सी, तो आपने एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी, इट मींस ए इम्प्लाई सी। इसको आप अदर वे में भी ले सकते हैं कि ए जो है वो रिलेटिव है बी का, बी रिलेटिव है सी का, इट मींस ए और सी भी रिलेटिव्स हैं। तो ये इनडायरेक्टली यहां से आपके पास निकल के आ जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास FD है, ए इम्प्लाइज सी ये रिडंडेंट FD है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपने रिडंडेंट FDs को रिमूव कर लेना है सेकेंड स्टेप में। अब आता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपने देखिए FD के लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक कर लिया, सॉरी राइट हैंड साइड को ब्रेक कर लिया, आपने रिडंडेंट FDs को रिमूव कर दिया,
अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स है, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कोई ऐसा तो एट्रीब्यूट नहीं है जो एक्सट्रीनियस है, जो एक्स्ट्रा है। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है तो आपको उसे रिमूव करना है। जैसे इसमें है ए इम्प्लाइज, इसमें आपके पास जो ये है कि ए बी इम्प्लाइज सी, तो मे भी हो सकता है कि ए एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए इसमें ये बी इम्प्लाइज सी भी कोई एफ डी है, इट मीन्स डायरेक्टली बी जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके उस सेट में बी इम्प्लाइज सी भी कोई एफ डी है, इट मीन्स ए की कोई जरूरत नहीं है, ए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो यहाँ पे इस एफ डी में एड हो गया है, तो आप ए को रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ए इम्प्लाइज सी है तो आप बी को रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है, अगर आप इसको नहीं रिमूव कर सकते तो आप ए बी ही रहने दीजिए। तो तीसरे स्टेप में क्या है, आपको एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना है और उसको रिमूव करना है एफ डी से। अब देखिए हम एग्जाम्पल से इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे आपके पास में एक एफ डी गिवन है, एफ डी क्या है, ए इम्प्लाइज सी, ए सी इम्प्लाइज डी, ई एच इम्प्लाइज एच, ई इम्प्लाइज एच, ई इम्प्लाइज ए डी। तो आपके पास में जो स्टेप वन था, स्टेप वन में आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट कहाँ पे है। तो अगर आप इस एफ डी में देखते हैं तो सिर्फ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है ई इम्प्लाइज ए डी, तो आपको ई इम्प्लाइज ए डी को क्या लिख लेना है, ई इम्प्लाइज ए, ई इम्प्लाइज डी। आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट हैंड साइड में देखना है कि राइट हैंड साइड में कहीं मोर देन वन एट्रीब्यूट्स तो नहीं है, और अगर किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो आपको उसको ब्रेक कर लेना है। तो स्टेप वन में हमारी जो एफ डी है वो क्या आ गई, आपकी एफ डी आ गई सेम एज इट इज, बस आपने ई इम्प्लाइज ए कर दिया, ई इम्प्लाइज डी कर दिया, तो ये आपका सेट आ गया, एफ डी सेट आ गया। अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में क्या था कि जो भी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हमें रिमूव करना है, जो भी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हमें रिमूव करना है। तो अगर आप यहां से देखिए, ए इम्प्लाइज सी, ए सी इम्प्लाइज डी, ए सी इम्प्लाइज डी, ई इम्प्लाइज एच, ई इम्प्लाइज ए, ई इम्प्लाइज डी। तो यहां पे क्योंकि आपके पास में ए सी इम्प्लाइज डी है, आगे पास में ए सी इम्प्लाइज डी है और ई इम्प्लाइज, या सॉरी आपके पास में यहाँ पे ए सी इम्प्लाइज डी है और ए इम्प्लाइज सी ऑलरेडी है, तो आप ये मान सकते हैं कि ए इम्प्लाइज डी प्लस आपका ई इम्प्लाइज ए करता है। तो अगर आप देखें ई इम्प्लाइज ए एंड ए इम्प्लाइज डी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आपके पास ये एफ डी ई इम्प्लाइज डी ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो आपको ई इम्प्लाइज डी को रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास में रिडेंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रिडेंडेंट एफ डी है, तो आप ई इम्प्लाइज डी को डिलीट कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या बात की थी, अब हमें देखना है जो आपके पास में सेट है। अब स्टेप टू में हमारे पास ये सेट आ गया, ए इम्प्लाइज सी, ए सी इम्प्लाइज डी, ई इम्प्लाइज एच, ई इम्प्लाइज ए। तो जहां पे जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट्स है तो उसे हमें देखना है कि एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट क्या है। तो ऐसी एफ डी हमारे पास सिर्फ एक है, ए सी इम्प्लाइज डी, बट अगर आप देखें मिनिमल कवर ऑफ ए प्लस, तो मिनिमल कवर ऑफ ए प्लस क्या है, ए और सी, क्योंकि आपके पास में ए इम्प्लाइज सी ऑलरेडी यहाँ पे एक एफ डी है,
तो सी क्या है इस एफडी में? एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट है, क्योंकि सी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है, तो जो आपके पास में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए सी इम्प्लाइज डी, इसमें आप एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं, तो आपके पास ये एफ डी चेंज हो जाएगी ए इम्प्लाइज डी, तो इससे आपके पास में मिनिमम कवर जो आ गया वो ए इम्प्लाइज सी, ए इम्प्लाइज डी, ई इम्प्लाइज एच, ई इम्प्लाइज ए। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके, क्योंकि आप अगर इस कंसेप्ट को अपना थोड़ा सॉलिड कर लेंगे एग्जाम्पल्स को समझ के, तो फिर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसीलिए एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको थोड़ा सा और डिटेल में ब्रीफ करने के लिए। मान लीजिए हमें मिनिमाइज ये भी लिख के आ सकता है कि आप मिनिमम कवर निकालिए, या आप ये कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करिए, या आप कैनोनिकल कवर निकालिए। तो देखिए ये आपके पास में एफ डी सेट गिवन है, ए बी इम्प्लाइज सी, डी इम्प्लाइज ई, ए बी इम्प्लाइज ई, ई इम्प्लाइज सी। तो देखिए स्टेप वन में हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो इस एफ डी सेट में आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें राइट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट हो। तो स्टेप वन में आपकी जो एफ डी सेट है वो एज इट इज रहेगा। अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, जो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है उनको रिमूव करते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ये एफ डी सेट है, तो एफ डी सेट में कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंट है। तो देखिए ए बी इम्प्लाइज सी एंड ए बी इम्प्लाइज ई, एंड यहाँ पे आपके पास है डी इम्प्लाइज ई, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आपके पास ड्राइव होके आ जाता है कि ई इम्प्लाइज सी, क्योंकि देखिए डी इम्प्लाइज ई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो स्टेप सेकंड है इसमें ए बी इम्प्लाइज ई एंड ई इम्प्लाइज सी, तो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये आ जाता है कि ए बी इम्प्लाइज सी, तो जो ए बी इम्प्लाइज सी है वो डिडेंडेंट एफ डी है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास में जो सेट आ गया एफ डीज का वो आ गया डी इम्प्लाइज ई, ए बी इम्प्लाइज ई एंड ई इम्प्लाइज सी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम वो एफ डी देखते हैं जिसमें राइट साइड में मोर देन, सॉरी लेफ्ट साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है। तो देखिए ये जो एफ डी है ए बी इम्प्लाइज ई, इसमें राइट साइड में दो एट्रीब्यूट्स है ए बी, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा ए बी इम्प्लाइज ई में कौन सा एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट है। तो हम दोनों का जो है एट्रीब्यूट कवर सेट निकालेंगे, तो एक क्लोजर निकालेंगे, तो जो ए का क्लोजर है वो ए है, और बी का, क्योंकि ए का ए ही है यहाँ पे, और कोई एफ डी तो आपके पास है नहीं जिससे ए इम्प्लाइज समथिंग आ रहा हो, या फिर आपके पास में कोई डायरेक्टली बी इम्प्लाइज करके भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे बी का भी जो एट्रीब्यूट क्लोजर है वो क्या आ गया, बी आ गया, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास में एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए आपका जो मिनिमल कवर है ये यही रहेगा डी इम्प्लाइज ई, ए बी इम्प्लाइज ई एंड ई इम्प्लाइज सी। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।